नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटिन में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि आईपीएल 2021 का दूसरा चरण जो कि 19 सितंबर से खेला जाने वाला है, उस आधे सीजन में सभी टीमों के स्क्वाड कौन से होने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में अनअवेलेबल रहने वाले हैं और कौन से खिलाड़ी उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप आईपीएल को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आईपीएल 2021 के सभी टीमों के नए स्क्वाड कौन से होने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके के पूरे स्क्वाड की बात करें तो उसमें सुरेश रैना, एमएस धोनी, नारायण जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड़, केएम आसिफ, कर्ण शर्मा, अंबती रायडू, दीपक चाहर, फाफ ड्यूप्लेसिस, शार्दुल ठाकुर, मिचेल सेंटनर, ड्वेन ब्राव, लुंगी एंगेडी, सैम करन, रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, के गौतम, चेतेश्वर पुजारा, एम हरिशंकर रेड्डी, के भगत वर्मा, हरि निशांत, आर साई किशोर और जॉस हेजलवुड। दोस्तों, आईपीएल 2021 में दूसरे चरण में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कोई भी खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं आया है। आईपीएल के 2021 के पहले चरण में जो स्क्वाड था वही रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी टीम की बात की जाए तो दूसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड की बात करें दूसरे चरण के लिए तो दोस्तों, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, आवेश खान, अक्षर पटेल, ईशान शर्मा, कगिसो रबाडा, पृथ्वी शॉ, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत, शिखर धवन, ललित यादव, मार्कस टॉइनिस, शिमरन हेटमायर, क्रिस वॉक्स, एंड्रिच नॉर्तजे, स्टीव स्मिथ, उमेश यादव, रिपल पटेल, लुकमन हुसैन मेरीवाला, एम सिद्धार्थ, टॉम करेन, सैम बेलिंग्स, प्रवीण दुबे और विष्णु विनोद। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स में भी किसी भी प्रकार का रिप्लेसमेंट खिलाड़ी नहीं आने वाले हैं। जो आईपीएल 2021 के पहले चरण में थे वही खिलाड़ी आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में खेलने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड की बात करें तो दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, नीतीश राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरकीरत सिंहमान, संदीप वॉरियर, शिवम मावी, शुभमन गिल, सुनील नारायण, इयन मॉर्गन, राहुल त्रिपाठी, वरुण चक्रवर्ती, पवन नेगी, टिम शिफर्ट, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोरा, करुण नायर, हरभजन सिंह, बेन कटिंग और वेंकटेश अय्यर। दोस्तों, केकेआर के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले खिलाड़ी की बात करें तो वह पैट कमिंस है, जो कि आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में केकेआर के लिए मौजूद नहीं होंगे। उनकी जगह पर टीम साउथी को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उनको अप्रोच किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए मुंबई इंडियंस के स्क्वाड की आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के लिए तो दोस्तों, रोहित शर्मा, आदित्य तारे, अनमोल प्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कैरन पोलार्ड, कृणाल पंड्या, क्विंटन डिकॉक, राहुल चाहर, सूर्य कुमार यादव, क्रिस लिन, मोहसिन खान, सौरभ तिवारी, ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलने, नेथन कुल्टरनाइल, पीयूष चावला, जिमी निशम, युद्धवीर चरक, मार्को जेंसन और अर्जुन तेंदुलकर। दोस्तों, ये मुंबई इंडियंस का स्क्वाड होने वाला है और दूसरे चरण के लिए कोई भी खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं आया है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात की जाए पंजाब किंग्स की। दोस्तों, पंजाब किंग्स के स्क्वाड की बात करें तो केएल राहुल कप्तान होने वाले हैं। इसके बाद क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन, मनदीप सिंह, सरफराज खान, दीपक हुडा, प्रभसिमरन सिंह, मोहम्मद शामी, क्रिस जॉर्डन, दर्शन नालकंदे, रवि बिश्नोई, मुर्गन अश्विन, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार, ईशान पोरेल, डेविड मलान, जाय रिचर्डसन, शाहरुख खान, रिली मेरेडिथ, मोइजेस हैंड्रिगेस, जलत सक्सेना, उत्कर्ष सिंह, फेबियन एलन, सौरभ कुमार और नेथन एलिस। दोस्तों, अब बात की जाए पंजाब किंग्स के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले खिलाड़ियों की बात की जाए तो जाय रिचर्डसन है और रिली मेरेडिथ है। दोस्तों, इसके रिप्लेसमेंट में नेथन एलिस आए हैं और अदिल रशीद आए हैं। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन, बेन स्टॉक्स, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवटिया, महिपाल लोमरोर, कार्तिक त्यागी, एंड्रयू टाई, जयदेव उनाडकट, मयंक मार्कंडे, यशस्वी जयसवाल, अनुज रावत, डेविड मिलर, मनन बोहरा,
शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, लियम लिविंगस्टन, कुलदीप यादव, आकाश सिंह और ग्लेन फिलिप। दोस्तों अब बात की जाए राजस्थान रॉयल्स के लिए अनअवेलेबल खिलाड़ियों की बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर दूसरे चरण में राजस्थान रॉयल्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ग्लेन फिलिप्स और तबरेज शमशी को लाया गया है। दोस्तों इसके बाद बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्क्वाड की दूसरे चरण के लिए तो विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, युजवेंद्र चहल, देवदत्त पडिक्कल, हर्षल पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, शाबाद अहमद, पवन देशपांडे, ग्लेन मैक्सवेल, सचिन बेबी, रजत पाटीदार, मोहम्मद अजरुद्दीन, कायल जेमिनसन, डैन क्रिश्चियन, सुयेश प्रभुदेसाई, के एस भरत, टीम डेविड, दुश्मंथा चमीरा, वनिंदु हसारंगा। अब दोस्तों बात की जाए आरसीबी के लिए मौजूद नहीं होने वाले खिलाड़ियों की आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के लिए तो डेनियल सैम्स, एडम जाम्पा, केन रिचर्डसन, फिन एलन और स्कॉट कुगलिन। दोस्तों ये खिलाड़ी आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के लिए आरसीबी के लिए अनअवेलेबल रहने वाले हैं। इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने टीम डेविड, दुश्मंथा चमीरा, वनिंदु हसारंगा और जॉर्ज गार्टन को रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया है। दोस्तों इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड में केन विलियमसन, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, अब्दुल समद, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल, टी नटराजन, अभिषेक शर्मा, शाबाद नदीम, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, जॉनी बेस्टो, रिद्धिमन साहा, श्रीवत्स गोस्वामी, बसिल थम्पी, जेसन होल्डर, जगदीश सुचित, केदार जाधव, मुजीबुर रहमान और जेसन रॉय। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कोई भी खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर नया नहीं आया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा।